और कागजात के जमा करने का बायकॉट करें। पूरे भारत देश में सभी धर्मों के लोग NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन साहब ने आज मालेगांव शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस लिया जाए। अगर सरकार इस एक्ट को वापस नहीं लेती है और देश में अगर NRC लागू करती है तो दस्तूर बचाओ कमेटी, संविधान बचाओ कमेटी के जानिब से पूरे देश के मुसलमानों के साथ साथ भारत के सभी धर्म के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार NRC लागू करती है तो अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स सरकार को ना बताए, इसका सीधा सीधा बायकॉट करें। जब उनसे हमारे चैनल की तो उन्होंने क्या कहा, आप ज़रूर देखें। आज दस्तूर हिंद बचाओ कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें तमाम मसलक जमातों, तंजीमों के लोग और हमारे बरादरान वतन बड़ी तादाद में शरीक हुए। हमारा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये ऐलान है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC मुल्क में बसने वाले लोगों को परेशानी में डालने वाले हैं और NRC के ज़रिए इस देश के लोगों की मुसीबतों में इजाफा हो जाएगा, उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। ये देश इस वक्त बदतरीन इक्तिसादी बहरान से गुज़र रहा है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, औरतों के साथ रेप की वारदातें हो रही हैं और CAA के ख़िलाफ़ पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है। इसलिए हमारा ये कहना है कि सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट वापस ले और NRC को हरगिज़ हरगिज़ लागू न करे। NRC के लागू होने की वजह से गरीबों और पिछड़े समाज के लोगों और बेपढ़े लिखों के ऊपर बहुत बड़ी आफत आएगी। और हमारा ये ऐलान भी है कि अगर गवर्नमेंट अपने मन चाहे तरीक़े पर NRC लागू करेगी तो फिर लोग अपने कागजात जमा करने से इनकार कर दें और कोई एक शख्स भी अपना कागज़ जमा न कराए, इसलिए कि इसके ज़रिए मुल्क गलत सिमत में बढ़ सकता है। हमारा ये ऐलान मुत्तफ़का तरीक़े पर तमाम जमातों की तरफ से है। उम्मीद है कि ये बात पूरे मुल्क में पहुँचेगी, फैलेगी। गवर्नमेंट से हम ये कह रहे हैं कि वो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट वापस ले और NRC को हरगिज़ लागू न करे। हम दरख्वास्त करते हैं कि मुल्क के तमाम बाज़मीर बाशिंदे अदम तआवुन की तहरीक चलाएं और कागजात के जमा करने का बायकॉट करें। हमें उम्मीद है कि पूरे मुल्क के लोग NRC और CAA के खिलाफ अपनी मजबूत आवाज बुलंद करेंगे और कागजात जमा न करने का ऐलान करेंगे।